आज हमको बाइक का टायर मैन्यू देंगे। ओए होए 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 भाई साहब, इतना सामान हमारा निकल आया। ओए होए होए, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा लोग पता कर रहे होते थे। आपको रियल रिम दिखा देते हैं असल। शुरू अल्लाह के पाक रहीम नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, तमाम नेमते उसी के हाथ। अच्छा, आपने कौन कौन से टायर मैन देखे हुए? केएफसी का देखा हुआ है, डोनाल्ड का देखा हुआ है? नहीं। अच्छा, अभी उन पे बॉयकॉट है। अच्छा, और कौन कौन सा देखा हुआ है? कढ़ाइयों का देखा हुआ है, यानी खाने का ही देखा हुआ है ना। लेकिन आज हम आपको बाइक का टायर मैन दिखाएंगे। अब ये क्या चुस मारी है? तो यार, दो तीन महीनों से आपके भाई ने रोलर डाला हुआ था कि हमने ये मोटिवेशन की भी अपने बाइक पे, ये किया हुआ वो किया हुआ ये किया हुआ वो किया हुआ। तो मैंने यार सोचा कि आप लोगों को आज एक सारा एंटायर मेन्यू देते हैं जिनमें हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे कि हमने बाइक में ये चीज़ लगाई है, वो चीज़ लगाई है। तो यार, इसके बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग बाइक में क्या क्या मोडिफिकेशन कर सकते हैं। यार, हमने तकरीबन अपना आधे जो बाइक है तकरीबन वो हमने पूरा चेंज किया था। हाँ, हमने एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में हमने तब्दील की थी। और ये बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा था कि यार सामान सारा बिक रहा है और इस पर एक वीडियो नहीं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। यही सोचा कि आप लोगों को एक खूबसूरत सी वीडियो देते हैं, साथ बाइक की रोलिंग शॉट देते हैं और एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें जो है वो चेंज की। तकरीबन हमने अपने बाइक का आधा बाइक चेंज आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाएंगे। और लेट्स स्टार्ट द बॉयज। YBR वाले तुसी नहीं कर सकते हो, हुंडे वाले कोई कर सकते हो। ये वीडियो देखने के चलो जी, भंडी रोलर डालते हुए दस्ती से बाइक लेकर आते हैं। 3 2 1 3 2 1 ओ भाई, हमारा आ गया माशाल्लाह। अभी हम देखते हैं कि हमारा सामान आता है कि नहीं। ओ सामान नहीं आ सकता, सामान हमको लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो लेट्स गो और सामान सारा निकालते हैं। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि काफ़ी जगह में पड़ा हुआ है, रिम किधर पड़े हुए हैं, बाकी सामान किधर पड़ा हुआ है। तो सामान पहले निकालते हैं। हम सामान लेंगे और शॉर्ट्स बाइक को बाद में देंगे, पहले हम सामान ले आते हैं। वाह जी वाह। सुभान अल्लाह। मुज्तबा दुरूद उन पर सलाम उन पर। माशाल्लाह, सामान हमारा आ चुका है। ये बहुत खास डब है, अभी मैं इसको खोलता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। चलो जी, 3 2 1 ओए होए 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 भाई साहब, इतना सामान हमारा निकल आया। ओए होए होए, ये रिम वैसे हमने निकाली छोटी का क्या, ये बहुत अच्छी तरह से पैक हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ज़रूर दिखा देते हैं। ये अभी पूरे मुकम्मल सामान नहीं है, जिस तरह इसमें ये वाली टैंक मिसिंग है, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि काम वगैरह हो रहा है, तो ये सारा सामान आगे पीछे हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा जो टैंक है जी वो मिसिंग है। और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसकी लाइटें हैं, मीटर्स हैं, जो अभी मिसिंग है। तो जो सामान है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जी। अच्छा, इस बाइक के बारे में पहले कपड़े तो हटा लें। वाह जी वाह। अच्छा, इसके बारे में बता दें तो यार, इसकी लुक
सीधी हमने इस तरह के नहीं की थी, पहले तो जिस तरह अपना होता है उसी तरह था। उसके बाद हमने इसकी लुक कुछ इस तरह की थी, फिर हमने कुछ टाइम के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से कर दी, और फिर बस अभी बता नहीं सकते, ये किसी दिन लंबी कहानी आपको सही बताएंगे कि हमारे साथ क्या होता रहा। फिर कुछ दिनों बाद हमने कुछ लुक इस तरह की कर दी, फिर हमने दोबारा चेंज की। पर्सनली मुझे जो इसकी फुल ब्लैक वाली लुक थी वो पसंद थी। ये अभी तक हमने इस तरह किया है, हमें ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम इसकी ये वाली लुक अभी चेंज कर देंगे, क्योंकि बाकी हमने पूरा बाइक पहले ब्लैक किया हुआ था, और ये मुझे इतना मज़ा पर्सनली नहीं करा रहा। पता जो है टैंक लीक हो गया, तो हमने फिर चेंज कर दिया। ओके, और ये वाला जो टैंक आपको नज़र आ रहा होगा, ओए ये वाला जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, ये एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये आपको मैं बता, ये इसके साथ हमारा बड़ा बुरा सीन हो गया था जी, अभी हमने लगाया था उसके कोई 20 सेकंड बाद ये लीक हो गया था। इस वजह से ये टैंक हमारा बिल्कुल भी काम में नहीं आया। कि हमने छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमने इसमें चेंज की है, वो मैं आपको एक एक चीज़ जो है डिटेल में बताता हूँ कि हमने क्या क्या चेंज किया है। जिस तरह कि आपको पता है, ये हमने लाइट इसमें एक तो है जी चेंज की हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है इसकी छोटी छोटी सी जो लाइट होते हैं, उसके बाद जो इसकी छोटे छोटे इवन कि ये रबड़ तक भी इसकी हमने चेंज की हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा मुकम्मल जो है इसमें एक एक चीज़ जो है वो चेंज की थी। उसके बाद जी ये हमारी नंबर प्लेट आ गई, और ये जो पीछे उसकी लगी होती है बाइक के पीछे, इसको पता नहीं डुमची इधर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे अभी इसकी समझ नहीं आ रही। ये हमारे बाइक की जी टापे आ गए, ठीक है, और ये इसका ये जो हुंडे वाला होता है। अच्छा, तो यार मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि अपने बाइक में ये जो है ये वाले जो हैं ये ब्लैक खुद किए हैं या इसका क्या सीन है। तो भाई ये वाले जो इसका रुको जरा सबर करो मान है, ये आपके इसका जो ओरिजिनल है वो ये पड़ा हुआ है, और ये एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल जब हमने बाइक लिया था ये उसी दिन ही इसके चेंज हो गए थे, ये एक दिन भी इसके इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ये हमने जेन्युइन जो होंडा के होते हैं, ये आपको ऊपर ये नज़र आ रहा होगा एटलस होंडा के रियल, ये हमने इसके परचेज़ करके ये इसमें इंस्टॉल किए थे। तब तो इसकी प्राइस मुझे नहीं याद क्या थी, लेकिन अभी इनकी प्राइस अच्छी खासी है जो रियल है। इनको हमने लेके जी रियल पेंट कराया था, और अभी इनकी कुछ इस तरह की लुक इधर आ रही है, क्योंकि हमने बाइक फुल ब्लैक करना था। ये आता है गियर चेंजर हमारे पास, इसका जो रियल गियर चेंजर है किधर गया है, इसका जो रियल गियर चेंजर है जी वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ये हम कोई 4 से 5 दफ़ा बल्कि 6-7 दफ़ा चेंज कर चुके हैं। जब भी हम चेंज करते हैं, हमने वो दूसरा जो सिंगल गियर लीवर होता है वो लगाया हुआ था, वो कामयाब नहीं था, तो हमने इसी तरह की गियर लीवर लेके ब्लैक कलर किया हुआ है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि यार तकरीबन हमने पूरा आधे से ज़्यादा बाइक जो है वो हमने चेंज की हुआ है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस वाली चीज़ों से हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जिस तरह इसका इंजन है, ये साइलेंसर है, ये बिल्कुल जिस तरह कंपनी से आए थे उसी तरह के हैं। आप लोग इसकी कंडीशन भी अभी गंदा हुआ है, फिर भी देख लें कि ये जिस तरह से कंपनी से आता है ये बिल्कुल उस तरह। रिम भी हमने मतलब ये रैप वगैरह किया है, और रिमों में कुछ नहीं किया लेकिन हमने इसके टायर रिम, उसके बाद ये सीट, उसके बाद इसकी पिछली वाली ये वाली लाइट, उसके बाद ये वाली जो डुमची होती है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसके बाद नंबर प्लेट, लाइट्स, उसके बाद यहाँ से इवन सारा सिस्टम चेंज है। इस तरफ आ जाए तो यही ये वाले लगाए हुए हैं, ये यहाँ से सारे नीचे से ये भी ये चेंज है। टॉप पे टैंकी भी इसकी अपनी नहीं है, ठीक है, और गियर लीवर चेंज किया हुआ है हमने, आगे ये लगाए हुए ये चेंज किया हुआ है, लाइट हमने इसकी चेंज की हुई है सारी अंदर से, ये सारा सिस्टम चेंज है इसका। उसके बाद मीटर सारे चेंज है, हैंडल भी आई थिंक के इसका हैंडल भी अपना नहीं है, ठीक है, हैंडल भी हमने इसका चेंज किया हुआ है, यहाँ से भी सारे सिस्टम इससे आगे से चेंज किए हुए हैं। झूठ बोल रहा है। हम सारे डिस्कस कर लेते हैं रिम में, हम रिम्स की तरफ हम बाद में आएंगे। उसके बाद ये इसकी अपनी ओरिजिनल टैंक हो गई, उसके बाद ये जो है इसके ये वाली जो हमारे इधर इसको कान बोलते हैं। एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये वाले जी ये और इसके ये अपने रियल जो इशारे होते हैं ये हैं, और ये मुझे ख्याल से आई थिंक के बैक साइड वाले हैं, ये बैक साइड वाले हैं इसके, और ये इसके फ्रंट साइड वाले हैं, ठीक है। ये इसकी जो इवन के केबल हैं वो भी चेंज हुई हुई हैं,
ये मुझे लगता है मीटर वाली है दोनों, ये दोनों मीटर वाली जो केबल्स हैं, ये केबल्स सारा सारा कुछ चेंज है, ये चेंज है। ठीक है जी, तो ये इसकी सारी रियल केबल है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो हमारे रिम के साथ हमें मिली थी। उसके बाद जी इधर आ जाए तो इसका ये लॉक वगैरह भी सारा कुछ हमने चेंज किया हुआ है, लॉक भी इसका चेंज है। और ये इसकी जो पीछे लगती है ये, क्योंकि इसको सीट वगैरह भी छोटी लगी हुई है और सीट भी चेंज है, तो ये इस वजह से जी सीट वगैरह भी इसकी चेंज है, तो इस वजह से ये इसको नहीं लग सकता। ये भी सारा इधर इसका चेंज पड़ा, यहाँ पे भी हमारे पास इसका रियल मीटर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये टैंक आ जाते हैं, ये पर्ची वगैरह पड़ी हुई है, और ये रही इसकी रियल सीट। सीट में आपको शापर लगा के दो शापर लगे हैं जी, इसके ऊपर दो शापर लगे हैं। सीट इसकी बिल्कुल जो है वो अभी न्यू कंडीशन में है, यहाँ से मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसकी न्यू है जी सीट। उसके बाद ये हमारा, इसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये आप देख लें, ये भी इसका, ये सारा सामान अभी इसकी कंडीशन से आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये देखें ग्लॉसरी शाइन होती है, और ये जो भी होती है भाई फिर तो ये इसकी फौरन उतर जाती है अगर ये यूज हो वो, तो ये भी इसकी आपको ये नज़र आ रही होगी ब्लैक वाली, ये इसकी इधर है जी। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पर रिम आ गए, और ये इसके टापे वगैरह आ गए, ये इसकी बैक लाइट आ गई जी, ये रही इसकी बैक लाइट। और क्योंकि फ्रंट लाइट मैं आपको बता रहा था कि वो अभी हमारे पास नहीं है, बहुत बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा सामान जो है जी वो मिसिंग है, इसलिए वो भी आपको इधर नज़र जो है नहीं आ रहा। ये रही इसकी, ये जो हम बीच में लाइटें चेंज करते हैं, ये 7 LED बल्ब है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी हमारे पास इंस्टॉल है। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लोग पता कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जी हमने दराज से मंगवाया था, मैं प्रेफर आपको नहीं करता कि आप लोग कोई भी चीज़ इस तरह मंगवाएं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये जो हमारा था जी ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ आई थी। ये डबल राड में है, इसमें एक सिंगल राड होता है, ये वाला जो है जी डबल राड में है, और इसकी प्राइस मुझे पड़ा था, ये मुझे आई थिंक पड़ा था 2200 रुपये में, मेरे हिसाब से महंगा मुझे पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत मिल जाते थे, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो वाकई बहुत प्रीमियम है। ये इसको यानी फील आती है कि इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे इसका सारा ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो वाकई यहाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस इसकी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ से बात करेंगी तो ये हमने खुद तैयार की थी जी। ठीक है, हमने यहाँ पर नहीं लगवाई थी, ये हमने खुद सारा खुद की तैयार की थी, ये सारा खुद तैयार की थे। मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, मेटल ये जो छोटे वाला होता है, इसकी प्राइस 200 पहले थी, और इसकी 250 पहले थी, या 300 थी, मुझे नहीं पता। बाकी हम आपके अगर बाइक ही चेक कराएं कि हमने किस स्टाइल से स्टाइल से तैयार किया, तो आपको इसकी रुक यहाँ से ही नज़र आ रही होगी। ये अभी इसका कॉम्बो सारा ख़राब हो गया, क्योंकि इसकी जो टैंकी का कलर है वही जो सारा चेंज हो गया, तो ये बड़ा अजीब सा सीन हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर आप लोगों ने मैसेज किया, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी ये अच्छा लग रहा है या इसको चेंज किया जाए, तो हम आपको चेंज कर देंगे। आपको ये तस्वीर भी शो हो रही होगी कि ब्लैक में ये किस तरह था। हमने हर उस तरह की मैचिंग बनाई थी, यहाँ से ये वाला शॉक जो है वो फुल ब्लैक है, ये वाला भी फुल ब्लैक हो गया। ठीक है, और ये वाले जो दोनों हैं ये अपने रियल सिल्वर कलर में है। उसके बाद ये जो छोटा मोटा सामान होता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हो जाता है। उसके बाद ये सीट है, मैं नहीं जानता कि ये कितनी की है, अभी मुझे याद नहीं है ये मैं। अच्छा, सीट इसकी 2 दफ़ा चेंज कर चुका हूँ जी, सीट पहले एक थी फिर दोबारा हमने चेंज की है। उसके बाद इसकी अगर लाइट की बात करें, मैं रोशनी थोड़ी बढ़ा के दिखाता हूँ, अगर हम इसकी जी लाइट की बात करें तो लाइट अभी इसके देख रहे हैं कुछ सामान उतर गया है, लेकिन हमने ये लाइट हमें कोई 1500 रुपये की शायद पड़ी थी। इसमें ये होता है कि ये सारी पहले तैयार होती है, और ये मशीन से सारी ये वाली पहले इसकी साइज बनाया जाता है, फिर इसकी कटिंग की जाती है, फिर ऊपर लगाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। और ये भी हम जो लाइट है 2 दफ़ा चेंज कर चुके हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके भाई ने जी ये जो है ये मतलब कहाँ से भी अभी तैयार हो जाती है, इसका पहले बहुत ज़्यादा फैशन था, एक रेड ब्लैक में। ठीक है जी, और इसकी प्राइस पहले ये 500 क्या है, और ये वाली जो है ये इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी वाली है, क्योंकि वैसे बाकी सारी गिर जाती है नीचे, तो इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, तो
इसकी पता नहीं प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, आई डोंट नो कि कितनी है। उसके बाद लाइट की इंस्टॉलमेंट अगर आपने नहीं देखी तो आपको नीचे लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो में देख लीजिएगा, हमने इसकी शॉर्ट्स सारे वगैरह डन किए थे। उसके बाद टैंकी इसकी जो इस तरह का टॉप है, इसकी हमने जो सारी मॉडिफिकेशन थी वो इसकी टैंकी के हिसाब से की थी जी। ये हमारी यहाँ से ऑडी आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी चमकादड़ आ गई है, और ये सारा बाकी हमने सेटअप ये इसी तरह किया था। बाकी यहाँ पे छोटा हमने उसी तरह स्टार लगा दिया था, और सारी यहाँ पे मॉडिफिकेशन उसी हिसाब से कर दी थी, और स्पेशल एडिशन वगैरह सारा कर दिया था। ये हमारे ये रबड़ गिरी है, एक दो काम है वो इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे। बाकी वो हमारे जिन साहब भाई आगे थे, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है। और इस तरह हमने सारी इसकी ये काम कराया। ये वाला जी, ये हमने बहुत मुश्किल से जी, यहाँ से नहीं मिलता, ये मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से मंगवाया था। और मीटर आपको पता है जी, हमने अभी अभी चेंज किया था मीटर हमारा, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त लोग है। अगली लाइट की बात करें जी, तो आपको जिस तरह पता है कि हमने इस पर मिरर इंस्टॉल किया हुआ है, और इसकी सुबह कुछ इस तरह के होता है, और अगर रात को आपको करेंगे तो आपको इसमें जी अभी यहाँ से इसमें नज़र नहीं आ रहा, अभी इसमें यहाँ पर रात में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपको इस तरह यानी ब्लू ब्लू कलर जो है वो इस पर नज़र आता है जी। वीडियो में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि ये इसका मॉडल क्या है, तो इसका मॉडल 19 नहीं है जी, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक और बाइक है सेल्फ वाला, उसकी हमने टैंकी इंस्टॉल की हुई है ओरिजिनल। तो ये आप लोगों ने भी बताना है कि आपके हिसाब से ये बाइक जो है हमारा वो कौन से मॉडल है। तो यार रोला हमने डाला हुआ था कि हमने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, अब आप लोग कहोगे कि इन चीज़ों में इतना तो हमको समझ नहीं आ रही कि यार ये इनकी प्राइस मतलब फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने बहुत ज़्यादा चेंज तो किए उसमें, हमको बहुत ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों में लग जाते हैं, लेकिन जो हमसे सबसे बड़ा फैक्टर था, आपको रियल रिम दिखा देते हैं। असल रिम जो है इसकी वो यही आपको पता है जो इसके होते हैं वो ये है। हमने इनमें भी कुछ TRD वगैरह करवाया हुआ था, और ये इसके असल जो है रिम है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इनमें कौन सी चीज़ है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को देख रहे हो जी, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है जी, ये वैसे नहीं आती किसी में भी, जो हमने इसमें जो इसमें इंस्टॉल हुए हैं उसमें ये मुकम्मल सेट जो होता है, यानी आप लोग यही समझ लें कि बाइक के टायर के नीचे सारा मुकम्मल सेट जो है वो आता है। इवन कि ये दोनों जो इसको केबल लगी हुई है ये भी साथ ही आती हैं, ये मीटर की जो केबल है वो भी साथ आती हैं। फिर सेट की बात कर लें तो ये वाली चीज़ें, ये वाली यहाँ पर ये वाली चीज़ें, उसके बाद ये वाला सारा अंदर सिस्टम, अंदर वो जिसकी गिरारी होती है, सारा मुकम्मल सेट आता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये, हाँ वैसे अभी तो यानी उसमें इंस्टॉल हुए, वैसे ये रियल लग आपको मैं दिखा देता हूँ, यानी ये वाले सारा सेट जो है जी मुकम्मल आता है। ये हमारी पहली वाली मॉडिफिकेशन थी जी, कुछ इस तरह की थी, ये देख लें, इसका भी अपना भी आप चेक कर लें, काफ़ी अभी भी इसकी काफ़ी शाइन में, ठीक है। तो ये वाला जी, इसका सारा सिस्टम जो है मुकम्मल सिस्टम आता है उसके, इवन के ये अंदर से जो पैड है सारा मुकम्मल सामान जो है वो उसमें सारा सामान हमारे इसके साथ आता है। उसके बाद ये फ्रंट वाला है जी, ये गंदा तो नहीं होगा, ये आप लोग देख लें जी, ये वाला भी मुकम्मल जो है जितना भी सामान है सारा आता है। क्योंकि आप लोगों को ये बता दूँ कि इसकी ये जो केबल होती हैं वो दूसरी होती हैं, और उसमें जो इंस्टॉल हुई होती है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये और तरह की होती हैं, तो ये इसमें इंस्टॉल नहीं होती। जो दूसरे रिम होते हैं उनकी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इनमें जो है ये इसकी जो ये वाली फिटमेंट है ये नहीं बैठती। आपको अभी नज़र आ रही है पैड शैड मुकम्मल जितना भी सामान है वो सारा इसके साथ हमारा आया था। किसी और दिन ही हम आपको इसके मेटल्स दिखाएंगे, यानी अभी इसमें सामान मिसिंग है, लेकिन इतना सामान है कि इंजन और शॉक वगैरह हमारे पास हो तो हमारे पास एक और बाइक भी इस तरह का बन सकता है। हमारे पास इतना सामान इवन मौजूद है। अच्छा, ये बैक रिम हो गया। अच्छा, अब इसकी मेन बात यह है कि अब इसकी रिम्स की प्राइस कितनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन सवाल यही होता है कि इनकी रिम की प्राइस क्या है। ये हमने अंदर से ये ब्लैक की है, इनसे इसका कलर ख़राब होता है। अच्छा, अब इसकी ये जो आप इसकी क्वालिटी भी चेक कर लें, ये वाले जो रिम है इनका वेट भी बहुत ज़्यादा है और ये मज़बूत भी बहुत ही ज़्यादा है। जो YBR के अंदर से हमारे पास, क्योंकि YBR भी है तो उसके जो अंदर से हैं ये वाले सारे खाली हैं, और इसके ये जो अंदर से हैं ये सारे जो हैं अंदर से फिल है, ठीक है, यानी सारे मुकम्मल
फिल्ड हैं और बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, यानी क्वालिटी जो है इन वालों की, ये जो मतलब इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इनकी क्वालिटी फुल प्रीमियम है। ये जिस टाइम पे जी हमने दिए थे उस टाइम पे आई थिंक दो तीन क्वालिटी इनमें थी, एक उस टाइम कोई चल रहे थे, एक इस टाइम शायद कोई 17 या 20 हज़ार के दरमियान में थे और एक 25 हज़ार के थे, और ये वाले थे शायद 30-35 के दरमियान कोई इनका रेट था शायद, या थोड़ा सा कम हो क्योंकि मुझे सही याद नहीं है, तो इसी तरह के इनका कोई रेट था जी, या 27 हज़ार इन वालों का था और उनका था इसी तरह, यानी कोई इसका रेट था, रेट नहीं है जी, ये कुछ माह पहले का रेट है। उसके बाद ये वाली चीज़ें हारन हमने एक एक चीज़ जो है वो इसकी तब्दील की हुई है, ठीक है। माशाल्लाह जी सिलेंसर हमारे चेक करें, माशाल्लाह। मीटर की इसकी बात करें तो वो भी हमारे पास, हाँ वो भी मौजूद नहीं है मीटर जी। अभी मैं आपको इसका एक और वो दिखा देता हूँ, मीटर भी हमने इसके 2 से 3 चेंज किए हैं, पहले हमने एक चेंज किया था, फिर हमने दोबारा चेंज किया था क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन कोई कराई थी जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया था, ठीक है। तो फिर हमने अभी इसमें रियल इंस्टॉल किया था जिसकी अभी केसिंग पीछे डाली है क्योंकि वो भी ख़राब हो चुकी थी। ये जी वो सामान है, ये देख लें, ये भी सारा वो एक YBR के आई थिंक, बाकी ये सारा सामान जो है ये भी वो देख लें। मीटर ये कोई पहला या दूसरा हमारा मीटर था, ये वो है। उसके बाद ये इसका हैंडल है जी, ये हैंडल पड़ा हुआ आई थी, और ये इसका जो लाइट है उसकी, ये अगर आपके इसके रिम्स की एक और क्वालिटी बताएं तो वो इसके ओए, बाकी ये कि इसकी रिम्स की एक और क्वालिटी बताएं तो वो ये है कि इन रिम्स के साथ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, नॉर्मल रिम के साथ ये हार्ड होता है, ठीक है, और इनके बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये बाइक जो है। हमने सीट भी चेंज की, वो सीट भी हमने इसकी जो है वो थोड़ी जो नरम होती है वो लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, जो इसकी सीट होती है वो भी इस तरह की होती है और रिम भी आई थिंक होते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जी हार्ड होता है। तो यार अभी ये सामान सारा अंदर रखेंगे, तो चलो यारा उम्मीद करता हूँ जी भाई साहब आपको आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बाइक के बारे में हमें बताएं कि मज़ीद हम मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें या क्या करें, ठीक है। तो बाइक के बारे में हमें लाजमी बताएंगे कि और बाइक के बारे में आपको मज़ीद जो है वो अपडेट्स दें या नहीं। तो खैर एनी वेज आज के व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे वो एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ, अल्लाह ताला के शुक्र के साथ ही, तो नए टॉपिक से आपसे हम मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।